अगर कोई भी कौम तरक्की करना चाहती है तो अपनी तालीम के ऊपर बड़ा जोर देती है। पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम पर अगर गौर किया जाए तो वो बहुत बदहाली का शिकार है। यहाँ पर तालीम जो दी जा रही है, एक तो बहुत कैटेगराइज की गई है, गवर्नमेंट स्कूल, गली मोहल्ले वाले स्कूल, और फिर उसके बाद ओ लेवल्स और तरह तरह के स्कूल खुले गए जिसमें डिफरेंट किस्म की तालीम गिविंग की जाती है, और सियासतदान के बच्चे दूसरे मुल्क में जाके तालीम हासिल करते हैं। इस वक्त जो बात मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि हमें तालीम हासिल करके आगे निकलना है जैसा हमारे मुल्क में हो रहा है, या हमने कोई गलत काम यानी चोरी या ऐसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से हमारा अदालतों में बहुत ही ज्यादा इल्जाम हमारे ऊपर हो, या हमने वो काम किया हो वो करने के बाद कोई बड़ा ओहदा मिलता है। तो ये कशमकश है कि हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। हमारे बच्चे अब सवालात करने लगे हैं कि आगे बढ़ने के लिए तालीम जरूरी है या चोरी करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखें अभी जो अलमिया है, हमारे जो वजीर खजाना या हमारी जो कैबिनेट्स हैं उसके अंदर जो बात सोशल मीडिया पर शो ऑफ हो रही है वो बड़ी ही सोचने के लिए बहुत ही देखा जाए तो इसके लिए अल्फाज की कमी है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस अकल से बात करें। और पाक सरजमीन शादबाद कहते हैं ना कि पाक सरजमीन है, और पाक सरजमीन में अगर ऐसे पाक काम होंगे तो बड़ा ही शर्म वाली है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बेस पे मुल्क हासिल करा, और चोरी करने पर हमारे नबी ने फरमाया कि हाथ काट दिए जाए। रबी अव्वल का महीना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं, और यहाँ क्या हो रहा है कि उनके जो गुनाह हैं उनको माफ़ किया जा रहा है और उनके साथ नवाजिशें हो रही हैं, उन्हें बड़े बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं। कि किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या है, ये हम नहीं जानते। हम अनजान से मासूम से लोग हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो अब तालीम हासिल करें, जराइम पेशा अफराद आगे बढ़ेंगे या तालीम याफ्ता लोग आगे बढ़ेंगे, इसके लिए बड़ी कशमकश पैदा होना शुरू हो चुकी है, और मुल्क की हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दुनिया तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, और हमारे बच्चे इन उलझनों में फंस गए हैं, और उनके दिमागों में ये सवाल हैं कि हो क्या रहा है। पहली दफा हमारी कौम जागी है जो इस तरह के सवाल जहन में आना शुरू हुए हैं, और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। एक दौर ऐसा आया कि चीज़ों को बढ़ा दिया गया आर्टिफिशियल, अब उसको अगर डाउन किया जाए तो वो मुल्क के लिए बड़ी कमी हो जाएगी, बिजली का बिल कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप 40 रुपये करके उसको 36 रुपये कर दें दोबारा, तो कमी नहीं हुई, 22 से आप 36 पे ले गए। चीज़ों को समझना होगा, मुल्क के साथ खेल नहीं कीजिए। बड़ी मुल्क कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है, तालीमी निज़ाम पर कोशिश की जाए कि बेहतरी लाई जाए, ये ना हो कि हमारे बच्चे तालीम से वैसे ही बहुत पीछे हैं और इन चीज़ों को देखते हुए वो तालीम से बिल्कुल ही बेगाना हो जाए।